हेलो दोस्तों, सब्जेक्ट पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम क्लास टेंथ सब्जेक्ट साइंस का जो इस साल आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है, ब्लूप्रिंट वो इस तरह से रहने वाला है। तो इसमें आपको हम ये बताएंगे कि चैप्टर वाइज कितने कितने नंबर के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं। सबसे पहला आपका देखिए, ये टोटल 80 मार्क्स का जो पेपर होगा फाइनल, वो इस तरह से है। और 20 मार्क्स जो आपके स्कूल से स्कूल वाइज भेजे जाएंगे, ठीक है, वो 20 मार्क्स इस तरह से टोटल 100 बनता है। अब जो ये 80 बनेगा ना आपका फाइनल पेपर, जो 80 नंबर का आएगा, उसमें कैसे कैसे मार्किंग स्कीम रहेगी वो हम जानते हैं। सबसे पहला है केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर, चैप्टर नंबर वन है आपका कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। एक इसमें चैप्टर नंबर टू बनेगा एसिड बेसिस एंड सोल्ट। एक इसमें चैप्टर नंबर थ्री बनेगा मेटल एंड नॉन मेटल। और एक चैप्टर नंबर फोर बनेगा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो ये चार चैप्टर आपके इस बार इसमें आएंगे, ठीक है। अब ये टोटल कितने नंबर का होगा, 26 नंबर का टोटल बेटे, 26 नंबर का रखेगा ये, ठीक है। इसके बाद वर्ड ऑफ लिविंग देखते हैं। तो वर्ड ऑफ लिविंग 23 मार्क्स का रहने वाला है। और इसमें आपके चैप्टर नंबर, एक तो आपका चैप्टर नंबर सिक्स होगा, एक चैप्टर नंबर सिक्स है लाइफ प्रोसेस, और चैप्टर नंबर सेवन रहेगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। चैप्टर नंबर एट रहेगा आपका हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, और चैप्टर नंबर नाइन रहेगा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ठीक है। इस तरह से ये रहेगा, ठीक है। अब नेचुरल फिनोमिना में देखते हैं हम। नेचुरल फिनोमिना में आपका चैप्टर नंबर एक तो रहेगा 10, ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ठीक है। और एक रहेगा आपका चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, ओके। अब देखते हैं हम इफेक्ट्स ऑफ करंट, और ये नेचुरल फिनोमिना कितने का रहना है, 14 मार्क्स का रहने वाला है, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ करंट में इसमें चैप्टर नंबर आपका बनेगा एक तो 12 इलेक्ट्रिसिटी, और एक 13 चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये टोटल 12 नंबर का रहेगा। और इसके बाद फाइनली हम ये बच जाता है चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट, इसमें आवर एनवायरनमेंट आएगा, ठीक है। और ये 5 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। तो मार्किंग इसकी इस तरह से है, 26 23 14 12 एंड 5 इस तरह से रहने वाला है। तो अब हम देख लेते हैं इसमें से डिलीटेड जो जो चैप्टर में जो जो चीज़ें डिलीट की हुई है ना इस साल, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो हमारे जो 1 to 4 थे ना, ये आपका 26 मार्क्स का था, ठीक है। 1 to 4 केमिस्ट्री में जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, एसिड बेस एंड सोल्ट, मेटल एंड नॉन मेटल, कार्बन एंड कंपाउंड, ये टोटल 26 मार्क्स का है। इसमें से सिर्फ चैप्टर वन में से कोरोजन एंड रेंसिडिटी, ये टॉपिक इस साल डिलीट हुआ है। बाकी सारे चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 सारा का सारा आ रहा है। बात करते हैं चैप्टर नंबर 5 की। तो इस साल आपके ये सीबीएसई से इसको हटा दिया गया है, ठीक है, इस साल ये पेपर में नहीं आएगा, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। तो ये जो चैप्टर रहेंगे आपके 23 मार्क्स का वेटेज रखेंगे। तो इनमें से हम देख लेते हैं क्या क्या कटा है क्या नहीं कटा, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं इसका। देखिए आपका चैप्टर नंबर 6, ठीक है, 7, 8 और इसके बाद 9, ठीक है, ये वाला 9 वाला चैप्टर। तो ये आपका 9, 8, 7 और 6 चैप्टर, ठीक है। ये चारों के चारों आपका कितना वेटेज रखने वाला है, 23 मार्क्स का, ठीक है। और इनमें से इस साल कुछ भी नहीं हटा है, बस एक चैप्टर नंबर 9, इसमें से आपका ये इवोल्यूशन वाला पार्ट इस साल हट चुका है, ठीक है। और इसमें बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, ये 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये भी स्किप कर सकते हो आप, ठीक है। ये आपका इस साल नहीं पूछा जाएगा सीबीएसई द्वारा। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, जो ये था हमारा, ये दोनों के दोनों चैप्टर कितने के नंबर के आ रहे हैं हमारे, 14 मार्क्स के, ठीक है। 14 नंबर का वेटेज ये दोनों के दोनों रखने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाइट चैप्टर में से कुछ भी डिडक्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ये बस एक डेरिवेशन इसमें से स्किप कर सकते हो, ठीक है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड में से आप कलर ऑफ सनराइज एंड सनसेट, इसको स्किप कर सकते हो। इस साल ये दोनों के दोनों हट चुके हैं, बाकी पूरा पूरा इसमें आ रहा है, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11, ठीक है। अब बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी एंड चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिसिटी में से कुछ नहीं हटा है, ठीक है। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसमें से इलेक्ट्रिक मोटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल और इलेक्ट्रिक जनरेटर, ये सब कुछ इसमें से हट चुका है। तो ये जो वेटेज रखने वाला है ना 12 और 13, ये आपका रखने वाला है 12 नंबर का, ठीक है। 12 नंबर का इसमें से पूछा जाएगा इस साल। बात करते हैं चैप्टर नंबर 14, इस साल ये वाला
हट चुका है, सीबीएसई ने इसको हटा दिया है चैप्टर नंबर 14 को, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चैप्टर नंबर 15 ये आपका पूरा का पूरा आ रहा है, इसमें से कुछ नथिंग डिलीटेड है, ठीक है। और ये आपका 5 नंबर का वेटेज रखेगा इस साल, ठीक है। चैप्टर नंबर 16 आप छोड़ के जा सकते हो, ये कट चुका है आपके सिलेबस से, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा हो। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की अप टू डेट जानकारी पाने के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए। अगर आपके साइंस एंड मैथ से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, हम उसका सॉल्यूशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करवाएंगे। दोस्तों हम फिर से मिलेंगे, बाय बाय।